रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हमीरपुर सत्यनारायण मंदिर परिसर से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भी समापन किया गया। रथ यात्रा का शुभारंभ श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ी मठ दंगड़ी के संतों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। इस मौके पर रथ को खींचने के लिए भारी संख्या में भक्त जन मौजूद रहे। चलो इसी उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दूसरा कारण है कि महाप्रभु भक्त के आगे नृत्य करते 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 राधा रानी के भाव में आ जाते थे और वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करते थे। और महाप्रभु जी की देन है जो आज ये हमीरपुर में पूरे भारतवर्ष में विदेशों में भी रथ यात्रा का आयोजन आज ही के दिन होता है। हमीरपुर वासियों के लिए क्या पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा ही ज़्यादा शुभ दिन है कि हमारे जो जगन्नाथ जी हैं आज बाहर निकलकर पूरे संसार को अपने दर्शन देने आ रहे हैं। जब ठाकुर जी आते हैं तो उनके लिए सफाई का हम प्रचार करते हैं, सफाई पसंद है उनको। रथ यात्रा निकाली जा रही है आज, क्या मानता है रथ यात्रा जी? यात्रा की मानता है कि लोगों को उत्साह होता है कि वो भी जगन्नाथपुरी की यात्रा निकल जाते हैं। हाँ जी, जगन्नाथपुरी जो है वो अपनी मासी के घर से जगन्नाथपुरी मंदिर में आ रहे हैं, उस वहीं से आकर रथ निकाला जाता है, यात्रा की जाती है। सभी लोग आज भगवान का दर्शन करने चाहते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं वो मंदिर में नहीं पहुँचते हैं, आज खुले हम मंदिर भगवान का दरबार में दर्शन कर रहे हैं। इस वर्ष भी इस महोत्सव से निकाला जा रहा है, ये एक तरह से त्यौहार की तरह मनाया जाता है और हम स्पेशल बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कई बार देश से आते हैं लोग, कोई प्रदेश से आता है। और जैसे कि मैं अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरी अभी शाम को मैंने वापस वहीं चले जाना है। तो ये महोत्सव बहुत उत्सव से मनाया जाता है और बहुत ही प्यारे तरीके से मनाया जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वृंदावन से आए, वृंदावन से भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में हम वृंदावन से आए यहाँ आज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश। यहाँ रथ यात्रा दर्शन करके बहुत आनंद आया और ये श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत धूमधाम से रथ यात्रा की व्यवस्था की गई है श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ की ओर से। हम लोग पिछले कई सालों से, लगभग 23 सालों से रथ यात्रा जगन्नाथ जी की मना रहे हैं। ये उड़ीसा में पहले जगन्नाथ जी हर साल रथ यात्रा होती जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी 8 दिन के लिए अपनी मौसी के घर माने कि वृंदावन में जाते हैं, ऐसा भाव है भक्तों का कि भगवान द्वारिका आए वृंदावन से। और हर साल द्वारिका से 8 दिन की छुट्टियों में ये अपनी मौसी के घर जाते हैं। तो आज जो जगन्नाथ जी हैं अपनी मौसी के घर में 8 दिन के लिए वहाँ पर रहेंगे और हम लोग यहाँ पर
पुरी की तरह ही, पुरी को जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं उन्हीं का सेम इसी प्रकार से जो विग्रह है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी इन्हीं विग्रहों को हम लोग सभी भक्तजन जगन्नाथ जी के इस रथ में इन विग्रहों को लेके हमारे जो दंगड़ी में चैतन्य महाप्रभु गौड़े मठ दंगड़ी में जो है उस मंदिर में बड़े धूमधाम से इस विग्रहों को ले जाएंगे। 19 सालों से तो आ ही रहा हूँ और 23-24 साल इस रथ यात्रा को हो गए हैं लगभग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और यहाँ पे हमारे कई विदेशों से ही भक्त लोग आते हैं और अभी आएंगे, कुछ रास्ते में भी हैं तो पहुँच रहे हैं, देश विदेशों से लोग यहाँ पे आते रहते हैं।